कड़ा ना कड़ा गुंड गाय अपना नाम आप कहाँ से? और मेरा नाम है प्रिया कुंडू, मैं कोलकाता से आए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो क्या उम्मीदें लेके आई? उम्मीदें लेके आई थी थोड़ा बहुत फूल देखने को मिलेगा, तो अभी तो पूरा नहीं हुआ, तो अभी भी ठीक है, जो भी हुआ मुझको खुश है इससे ही। मैं अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर सरिता मोदी इंदौर से आई हूँ। पूरा कश्मीर घूमा, बहुत सुंदर है, जन्नत है, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और ट्यूलिप गार्डन भी हमारी इच्छा थी, पूरी बहुत इच्छा थी देखने की। हम आए देखने पर अभी यहाँ पे पूरा ब्लूमिंग नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा मन दुखी हुआ है, बट ठीक है, कुछ ट्यूलिप्स देखने मिल रहे हैं, कुछ बेड्स हमको देखने मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हम मैडम आए हैं पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर मुकेरियाँ से आए हैं, सिटी मुकेरियाँ से, और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। यहाँ पे किस 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 पार्क में आप घूमने गए हैं? क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? ट्यूलिप अभी पूरे तरह से नहीं खुले थे, उनको यहाँ पे ओपन करना था या बढ़िया? बस ओपन तो करना चाहिए था, क्योंकि अभी ट्यूलिप तो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। हाँ, तैयार नहीं हुआ जी, थोड़ा सा हमें लगा मुझको भी पूरा तैयारी पर करना चाहिए था, ये तो बहुत महसूस हुआ है। आपको लग रहा है यहाँ पे अगर टूरिस्ट आ रहे हैं वो दुख फील कर रहे हैं अभी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, जो हमारे दिल में आया वो सभी के दिल में जरूर आया होगा, और हमने सुना भी है कई के मुंह से कि यार जिला नहीं है पूरा। मेरा नाम आसिफ अहमद है, मैं असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर टूलिप गार्डन। सर आज इनॉग्रेशन है टूलिप गार्डन की, तो कितनी उम्मीदें हैं कि कितने लोग आएंगे इस बार? जो मूवमेंट है ये टूलिप का, दिस इज मच अवेटेड था, इसके दैट मूवमेंट हैज बीन ओवर, और आज सुबह ये जनरल पब्लिक एज वेल एज विजिटर्स के लिए इट हैज बीन थ्रोन ओपन, एंड यू आर विटनेसिंग ए ह्यूज रश हियर। लास्ट ईयर भी बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑफ द पब्लिक विजिटर्स अक्रॉस द कंट्री, वी विटनेस्ड ऑलमोस्ट 3.77 लाख विजिटर्स, एंड दिस ईयर वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि दिस ईयर विल बी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट अटेंडेंस। सर अगर फ्लावर्स की बात करें, ट्यूलिप फ्लावर्स की, अभी उतना ब्लूम नहीं हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, ट्यूलिप इज अ क्रॉप दैट लास्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, इसकी लाइफ बहुत कम होती है। वी हैव अ सिकेमेटिक प्लांटेशन हियर, तो इसके हिसाब से जो 5-10% ब्लूम होता है या 5-6% पे ये ओपन हो सकता है। एंड मैं आपको बताता चलूं कि इवन अ सिंगल दिस ट्यूलिप इफ इट ब्लूम्स दैट इज इनफ टू ओपन अ गार्डन। सर अगर यहाँ की लोकल्स की बात करें, रमजान का महीना भी चल रहा है, कहीं उस पे इससे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, लास्ट ईयर भी ये रमजान में मोस्ट ऑफ द जो इसका टूरिस्ट जो ट्यूलिप सीजन था वो रमजान का ही था, एंड लास्ट ईयर वी विटनेस्ड अ ह्यूज रश, और बहुत अनएक्सपेक्टेड रश था, 3.77 लाख विजिटर्स विजिटेड दिस गार्डन, और इस बार भी आप देख रहे हैं देयर पीपल इन लार्ज नंबर्स हैव गैदर्ड टू एक्सप्लोर द ट्यूलिप गार्डन टू चेरिश व्हाट हियर इट इज। तो क्या मैसेज रहेगा टूरिस्ट्स के लिए, लोकल्स के लिए, सब विजिटर्स के लिए, ताकि वो यहाँ पे आ सके? देखिए, आई ऑन बिहाफ ऑफ द होल डिपार्टमेंट, मैं एवरी जो विजिटर है, जो इंक्लूडिंग द जनरल पब्लिक जो यहाँ आना चाहे, वो आए इधर एक्सप्लोर करें ट्यूलिप गार्डन को। इसमें हर कोई चीज़ है, वेदर अगर आप फ्लावर लवर है और सिंपली सीकिंग योर सीकिंग दिस सेरेनिटी, तो दिस गार्डन हैज एवरीथिंग टू गिव यू। आए एक्सप्लोर करें ट्यूलिप गार्डन को, ज्वाइन अस टू सेलिब्रेट दिस।